I had just started to make the video from here. It's all about the cleanliness before the Ganpati Visarjan. और गणपति विसर्जन जो डेढ़ दिन के, दो दिन के, तीन दिन, पाँच दिन, चार दिन, वो उससे पहले की मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के दिखाना चाहता हूँ कि मतलब अभी फ़िलहाल तो जूझोवाड़ी काफ़ी क्लीन है, बहुत क्लीन है यार. वो तो हमेशा से, शायद अगर इन फ्यूचर अगर और इससे ज़्यादा क्लीन रहेगी तो बहुत अच्छा होगा. बट फिर भी मुझे छोटे पापा दिखाई दिए, ये देखो, ये वो मशीनें हैं जो प्लास्टिक साफ कर रहे हैं. वो बहुत अच्छी है कि डे में ये लोग कम से कम 50-60 राउंड मारते प्लास्टिक हटाने के लिए. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. मैं जानता हूँ मैंने इंट्रो थोड़ा लेट किया, बट क्या करता, क्योंकि वहाँ पे शॉट्स मेरे को लेने थे और बोला था इट्स अबाउट टू इवनिंग, सनसेट होने वाला है, तो फिर इसलिए मैं सोचा कि चलो अब इंट्रो बना देता हूँ. फिर भी पहले से काफ़ी ठीक ठाक है जूझोवाड़ी, बहुत क्लीनलीनेस है, मान गया इस बार. बट मुझे बस इस बात की चिंता है कि जब गणपति का विसर्जन होगा तब क्या होने वाला है. बच्चे हैं ऑलमोस्ट पाँच दिन में गणपति बप्पा आने वाले. बहुत जन लोग खुश हैं और आपको ये आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी ढोल की. जो लोग शायद से गणपति बप्पा आ भी रहोगे, कोई बड़े से गणपति बप्पा या फिर कोई बैंड बजाने की प्रैक्टिस कर रहा होगा, क्योंकि मोस्टली आप लोग तो सब जानते हो कि डीजे बैन कर दिया गया है. तो मुंबई में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी डीजे का क्रेज़ रखते हैं, बट डीजे बजते हैं. तो जैसा कि मैंने कहा कि जूझोवाड़ी पूरी तरह से क्लीन है, स्टिल स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगा, क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि इट्स प्रोबेबली नाउ 6:40 हो चुके हैं. वी आर मिडल इन द पब्लिक एरिया. पब्लिक देखो बट फिर भी वही यूजुअल, मना करने के बाद भी लोग वही कचरा छाए के कप्स एंड ऑल. वो भी अच्छी बात है कि द मेडअप ऑफ पेपर्स नॉट इन द मेडअप ऑफ प्लास्टिक. बट इसका मतलब ये तो नहीं कि फेंक दो और चले जाओ, फेंकने के लिए भी जगह बनाना चाहिए ना बस. Oh, what is this? So now it's time to leave the Juhu Chowpatty, क्योंकि almost घूम लिया मैं. जिसके बारे में बात कर रहा था वो काम भी मेरा हो चुका है. और कल एक इंटरेस्टिंग बीच पे, इंटरेस्टिंग तो नहीं बोल सकते, वो भी यूजुअल है, आप लोगों ने पहले भी देखा है, उसी बीच पर जाऊँगा और वहाँ का भी हाल देखेंगे फिलहाल क्या चल रहा है. एंड देन वी विल बैक टू आफ्टर द विसर्जन. ठीक है, चलो बाय. नाउ वी आर बैक एट बीच और माहिम बीच में आया हूँ. ये तो देख लो मेरे आगे पीछे, क्लाइमेट देखो, गंदगी को फिलहाल बॉदर करो, उस पर ध्यान मत दो. वो मैं आगे चल के दिखा दूंगा फिलहाल क्या हाल है क्या नहीं. बट फिलहाल जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट मेरा इंप्रेशन पड़ा है बीच पर, मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ. और यकीन नहीं हो रहा कि यार पिछले साल तो भी क्लीनलीनेस थी, बट इस साल अनबिलीवेबल, बहुत टन में प्लास्टिक है इस बार. और क्लीनलीनेस ड्राइव्स चल रहे, बुलडोजर्स है, ट्रक्स है यहाँ पे, फिर भी प्लास्टिक हटाने का काम चल रहा है. बट वो भी कब तक चलेगा बता नहीं सकते. यकीन नहीं होता ये माहिम बीच, कोई कहेगा ये माहिम बीच है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा. जो पिछले साल जब मैं आके यहाँ पे शूट किया था, वीडियो जब बनाया था, जब गणपति विसर्जन के करीब, हाँ गणपति विसर्जन हो के मतलब 10-12 दिन बाद जब मैं आया था, तब तो भी हाल ठीक था यार. गणपति की मूर्ति थी तब तो भी समझ में आया था, सिर्फ गणपति की मूर्तियाँ दिखाई थी, थोड़ा बहुत भी प्लास्टिक था. बट इस बार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सारा प्लास्टिक, वो भी माहिम बीच पे. जब मैं आई थिंक सो येस्टरडे की बात है, मैं कल जब गया था जूहू चौपाटी, तो यार वो तो भी देखने लायक है. मैं माहिम बीच से इतना तो भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था यार कि यार इतनी गंदी होगी. बट देखो तो हद पार हो गई, इतनी गंदी. पिछले साल तो भी क्लीन था, बट ये साल बाप रे, यकीन नहीं हो रहा यार. आने वाली जनरेशन का बहुत डर लग रहा है कि अगर हमारे
इन वक्त में अगर बीचेस का ये हाल है तो आने वाले सालों में आने वाली न्यू जनरेशन के टाइम पर क्या होगा, क्या मालूम लोगों का ध्यान क्या है। ये देखो आगे जाऊंगा तो बाप रे डिजास्ट्रस वर्ड्स नहीं मेरे पास कहने के लिए। वो और शायद अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे और आगे जाना चाहिए क्योंकि आगे भी सेम अभी यही हाल है और बदतर हालत है आगे जाकर। बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शो यू द प्रॉपर वीडियो, प्रॉपर मेकिंग वीडियो की मतलब ये बात सब लोगों के पास पहुंच सके और सभी लोगों के पास मेरी वीडियो जा सके कि यार मुंबई जैसी द डेवलपिंग कंट्री डेवलपिंग सिटी में अगर ऐसी गंदगी रहेगी तो फिर बाकी सिटीज़ का क्या होगा, बाकी सिटीज़ में क्या क्लीनलीनेस है जब मुंबई का यह हाल है। ऑल दो माहिम बीच भी बहुत अच्छी है यार, अगर यहाँ पे क्लीनलीनेस रहती तो ना डेफिनेटली माहिम बीच भी वर्सोवा बीच जुहू बीच की तरह और पॉपुलर रहती, उनसे भी ज़्यादा पॉपुलर रहती। बट इधर की लोकेलिटी, इधर के लोगों ने उसको इतना क्लीन नहीं रखा। BMC वाले भी आएंगे तो कितना साफ करेंगे, और हर बात पे BMC को ब्लेम नहीं कर सकता हम, ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। अगर आप लोग मेरे से ऐसा कोई एक्सपेक्ट करते हो कि मैं भी BMC को ब्लेम करूँगा तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं मानता हूँ कि BMC वाले अपना काम करते और हर बात पे अगर हम BMC को ब्लेम करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि BMC वाले अपना काम करते फिर वो, हाँ ये है कि आपको ये बोलना चाहिए कि BMC वालों ने लोगों को बोलना चाहिए कि आप लोग ऐसी गंदगी मत करो, हम लोग आए कि हम लोग हमारा काम करेंगे, बट आप लोग को अपना भी काम करना चाहिए। सो इसलिए मैं तो आपको हमेशा ये बात कहूँगा कि BMC को ब्लेम मत करो। नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो और आई होप कि मैं जल्द से जल्द और भी नए वीडियोस लेके आऊँ और भी न्यू व्लॉग्स लेके आऊँ, और आफ्टर द विसर्जन के बाद जो वीडियो होगी वो आई होप कि और इससे भी अच्छे और बेटर बनाऊँगा। पिछले साल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखना, मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, जिन्होंने नहीं देखी होगी प्लीज़ ज़रूर देखना। सिर्फ वो उसमें जूहू चौपाटी का शॉट नहीं है, वो माहिम बीच का शॉट है, तो आप लोग एकदम क्लीनली एकदम परफेक्टली देखने मिल जाएगी तभी क्या हाल था और इस बार क्या हाल है और तब वापस से। बट हाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो आफ्टर विसर्जन की वो वीडियो रहेगी वो तीन जगह की रहेगी, गिरगांव चौपाटी, माहिम चौपाटी एंड जुहू चौपाटी, वो तीन जगह की रहेगी। आई होप कि अगर मुझसे बन सके तो वर्सोवा बीच भी वापस जाऊँगा जो मेरी सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियो है। सो विद दैट सेट हमेशा समझदार बनते रहो, दूसरों को समझदार बनाते रहे और जल्द से वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो भी न्यू है तो वो लोग तो ज़रूर ही करना। थैंक यू।